नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। डिफेंस कॉरिडोर और पेयजल योजनाओं के साथ बुंदेलखंड को समृद्ध बनाने के लिए सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। बुंदेलखंड को फिर दाल का कटोरा बनाने के लिए मुहिम छेड़ी जा रही है। इसके लिए 10 फरवरी को बांदा के कालिंजर में अरहर सम्मेलन होने वाला है, ताकि क्षेत्र में सूख चुकी दाल की फसल को फिर हरा किया जा सके। बुंदेलखंड में एरो टूरिज्म को बढ़ावा देकर किसानों को समृद्ध बनाने की तैयारी है। चलिए अब ये भी जानते हैं कि बुंदेलखंड क्यों है खास। बुंदेलखंड में इस साल 1,38,687 हेक्टेयर में दलहन की खेती हुई। इसमें अरहर का रकबा 17,753 हेक्टेयर, मसूर का 29,824 और चने की बुआई 91,110 हेक्टेयर में की गई। सिंचाई की विकराल समस्या के बाद भी बांदा में दलहनी फसलें भरपूर होती हैं। कभी बांदा को दाल का कटोरा भी कहा जाता था। यहाँ तरह तरह की दालों का उत्पादन होने से सैकड़ों की संख्या में दाल मिलती थी, हजारों लोगों को रोजगार मिला था। लेकिन सूखा, डकैतों और पलायन की वजह से दाल का कटोरा सूखने लगा और उद्योग बंद पड़ गए। कालिंजर में होने वाले अरहर सम्मेलन में कृषि विकास के क्षेत्र में काम करने वाली देश की 10 बड़ी स्वयंसेवी संस्थाएं दलहन, सरसों और गन्ना के क्षेत्र में बेहतर विधियां अपनाकर उत्पादन बढ़ाने वाले पद्मश्री सम्मानित प्रगतिशील किसान बाजार की जरूरत और ब्रांडिंग का तरीका बताने के लिए बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि, कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप और स्वरोजगार की संभावनाएं बताने वाले IIT के विशेषज्ञ और मेलर्स कारोबारी शामिल होंगे। DM हीरालाल ने बताया कि कालिंजर के कटरा में 10 फरवरी को अरहर सम्मेलन में देश भर के प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बांदा में दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ा कदम हो सकता है। किसानों की आय दुगनी करने के उपाय के मद्देनजर हो रहे इस सम्मेलन में कृषि क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। इतना ही नहीं, ITC, बिग बाजार, वॉलमार्ट, ऑर्गेनिक इंडिया, स्पेंसर, बिग हार्ट जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि बाजार की जरूरत और ब्रांडिंग का तरीका बताएंगे। अरहर सम्मेलन में सांस्कृतिक मंच भी होगा। इसी के लिए फिल्मी दुनिया के कलाकार भी मौजूद रहेंगे। अभी नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, विवेक ओब्रॉय, अनुपम खेर, सनी देओल, राजपाल यादव और रघुवीर यादव को निमंत्रण भेजा गया है। राजपाल यादव ने स्वीकृति दे दी है। नाना पाटेकर के भी आने की संभावना है। स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।